विषय मैं आज आपको बताऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आप अपनी योग कैसे निकाल सकते हैं शादी के। तो अभी आप टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आप क्या कर सकते हैं कि आपकी कुंडली बनाइए। कुंडली में आप देखेंगे कि आपका चंद्र राशि कौन सी रहेगी। चंद्र राशि के हिसाब से आप देखिएगा कि चंद्र राशि में, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, चंद्र राशि में दूसरा, सातवा और ग्यारहवा खाने पे कौन से ग्रह देख रहे हैं या चल रहे हैं या गोचर में है। तो गोचर में आप देखेंगे तो दूसरे, सातवें, ग्यारहवें में जो गोचर में होगा तो उसमें शनि और गुरु की दृष्टि है या वो खुद वहाँ पर रहेंगे तो भी वो आपके योग को दिखाता है। दूसरे, सातवें या ग्यारहवें घर में होंगे तो आपके उन गोचर को दिखाएगा, यानी योग को दिखाएगा उस समय आपका योग है कि नहीं या आने वाला है इसमें आपके योग है। अभी आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं आपको बता दें, जैसे ये कुंडली है, जैसे ये चंद्र कुंडली है, इसमें पहला देखिएगा तो पहला 1 2 3 4 मेष राशि की कुंडली है, और तो दूसरा खाना वृष राशि रहेगी, सातवां खाना तुला राशि रहेगी, ग्यारहवा खाना कुंभ रहेगी। तो अभी सब उसको एग्जाम्पल लीजिए, सैटर्न ने शनि पाँचवें में बैठा है और जुपिटर ग्यारहवें में बैठा, तो इन दोनों के योग है। अभी कैसे योग होंगे कि तीसरी दृष्टि से ये सातवें को देखेगा शनि, तो यहाँ पर योग आ गया। ये नौवीं दृष्टि से यहाँ पर देखेगा गुरु, तो यहाँ पर सातवां भी फुलफिल हो रहा है, ग्यारहवां भी फुलफिल हो रहा है, सेकेंड नहीं हो रहा। तो इससे मालूम चलता है कि यह दो योग बंदे उनके गोचर में, तो उनके शादी का योग अभी प्रबल रहेगा उस राशि का, मेष राशि का। इससे आप अलग अलग राशि का भी मालूम कर सकते हैं कि आपका आपका है कि नहीं। अभी जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि ये अभी 6 में होता है, टॉरस होता है, ये 6 में हो जाता, ये 6 में होता है। अब ये देखिए विष, विष राशि की कुंडली है, इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन है और फर्स्ट है। जुपिटर सब उसको इस पे है बैठा हुआ है, इलेवन हाउस में, और सेटन यहाँ पर एरीज में बैठा हुआ है, चंद्र मेष राशि में बैठा हुआ है। तीसरी दृष्टि तो तीसरे को देखेगा, ये पांचवी दृष्टि से तीसरे को देखेगा तो भी इसमें शादी के योग बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें योग कौन कौन से होंगे, इसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी दूसरा, दूसरा, सातवां, ग्यारहवा खाना आस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, उससे भी आप देख सकते हैं कि शादी के योग है कि नहीं। कि आपको खुद को ऐसा इतनी माथा बच्चे नहीं करने का, सीधा मालूम करने का कि शादी कब होगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9187888760070। फ़ी एप्लीकेबल है, फ़ी लगेगी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।